ट्रिपल तलाक पीड़ित शबनम ने पेश की मिसाल। पति ने छोड़ा साथ तो शबनम ने संभाली परिवार की जिम्मेदारी। शबनम ने सामाजिक दबावों से ऊपर उठकर संभाला ऑटो का स्टीयरिंग। तलाक तलाक तलाक, इन तीन शब्दों ने मानो शबनम के पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया था। तब उसे खुद के साथ तीन बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में पड़ा नजर आ रहा था। चारों तरफ मजबूरियां और परेशानियों के सिवाय शबनम को कोई और रास्ता दिखाई न दिया। फिर भी जीवन के सबसे मुश्किल दौर में शबनम ने सरेंडर करने की जगह आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। बच्चों को सुनहरा भविष्य और खुद को नई पहचान देने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया। शबनम ने जैसे तैसे कर एक ऑटो रिक्शा फाइनेंस कराया और उसको चलाना सीखा, और फिर देश के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद हर कोई शबनम के हौसले को सलाम करता दिखाई दिया। शबनम काशीपुर की रहने वाली है। 2011 में उसकी शादी जसपुर के एक युवक के साथ हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, दो बेटियों और बेटे के साथ में ससुराल में खुशी खुशी गुजर रही थी। बाद में ना जाने किसकी नजर लगी कि पति शबनम की उपेक्षा करने लगा और 2017 तक ये रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। पति ने बच्चों की जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया तो उन्हें लेकर वो अपने गाँव काशीपुर आ गई। घर पर बैठने की बजाय घरों में काम करने के साथ सिलाई सीख कर इसे आजीविका का साधन बनाया। बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया, पति से कानूनी लड़ाई लड़ी और अपनी कमाई से ऑटो खरीद लोन कराया। अब आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी। फिर वैसे ही हमारे कुछ आगे कुछ रिश्तों में कुछ ऐसा वो आई परेशानी कि उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद मैं अपने घर पे यहाँ पर आ गई। 2011 में शादी हुई थी, उसके बाद में 7-8 साल हो गए मुझे यहाँ पर रहते हुए। तो 7-8 साल पहले मुझे तलाक दिया था, मैं यहाँ पे आ गई थी। हमारे पापा बीमार थे, मम्मी बीमार थी। अभी पिछले साल हमारी मम्मी कैंसर से ख़त्म हो गई हैं, इंतकाल हो गया है। और छोटी मेरी बहन है, उनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। तीन मेरे बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो उनकी ज़िम्मेदारी को देखते हुए मैंने ये ऑटो चलाने का निर्णय लिया। शबनम के पास आज अपना ऑटो है जिसे वो खुद ड्राइव करती है। शबनम महिलाओं के लिए मिसाल बनकर उभरी है। शबनम की बेटी आयशा बताती हैं कि मम्मी सुबह सवेरे उठकर तीनों भाई बहन के लिए नाश्ता बनाती है, फिर उसके बाद हमें तैयार करके स्कूल भेजती है। स्कूल भेजने के बाद फिर ऑटो लेकर काम करने जाती है। दोपहर में हमें स्कूल से लाकर हमें खाना खिलाती है और फिर ऑटो लेकर काम करने चली जाती है। मम्मी पहले सुबह उठती हैं, हमें तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, फिर तैयार होती हैं, फिर ऑटो चलाने जाती हैं, फिर दोपहर आती हैं वहाँ से तो खाना बनाती है, फिर हमें स्कूल से लेने जाती है। वही शबनम की छोटी बहन बताती है कि जब से हमारी माँ का इंतकाल हुआ तब से मेरी बड़ी बहन शबनम ने मुझे अपने घर में रखा और मेरा अपने बच्चों की तरह पूरा ख्याल रखती हैं। वो घर का सारा काम करती है, घर का सारा काम कर जब ऑटो चलाने जाती है। हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया है जब से हमारी बहन ने हमें रखा है। जिन परिस्थितियों में लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन परिस्थितियों में शबनम ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना और उन महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है। जो महिलाएं कठिन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूर और लाचार महसूस करती हैं, अपने हौसलों की उड़ान उड़कर शबनम समाज के लिए नजीर पेश की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए काशीपुर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।